त्यासाठी नॅशनल हायवेचे जे अधिकारी प्रोजेक्ट डायरेक्टर आणि नॅशनल हायवेला जे डी पी आर करणारी जी एजन्सी आहे त्यांची आणि आपली महामेट्रोचे अधिकारी आणि महापालिकेचे अधिकारी यांची गेल्या 8-10 दिवसापूर्वी पण बैठक झाली. आज पण प्रोजेक्ट डायरेक्टर जे आहे नॅशनल हायवेचे त्यांना साहेबांशी चर्चा झालेली आहे आणि त्यांना तिथे सजेशन दिलेलं आहे की द्वारकाच्या तिथे जो फक्त आपल्याला अडचण मिळते द्वारकाच्या तिथे तर तिथे त्यांनी अंडरग्राऊंड जावं आणि म्हणजे मेट्रोवरनं ते तिथं 3 लेअर जाण्याऐवजी 2 लेअरने जाईल कारण ऑलरेडी फ्लायओव्हर आहे त्या फ्लायओव्हरच्या वरून मेट्रो जाईल. जो एक्झॅक्ट आपला प्रपोज आहे ना नितीन गडकरी साहेबांनी घोषणा केली आहे द्वारकापासून पुढे त्याला पुढे असं होणार की आता दोन्हीचे डीपीआर ते एकत्र करताय आणि पुढे 4 लेन एकत्र जातील म्हणजे ट्रॅफिकचा पण जाईल आणि मेट्रो पण जाईल असं पण डिझाईन त्याच्यामध्ये चर्चा होऊ शकते. अजून पण जाऊ शकतं खालून नाही जाऊ मेंटेनेंस कॉस्ट किती असेल साधारण? देखिए ऐसा है कि ये जो मैं आपको बता दूं जो सिस्टम है वो ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो इस तरह के प्रोजेक्ट होते हैं मास्टांडे और जो जैसे महामेट्रो का जो मॉडल है दिल्ली मेट्रो का जो मॉडल है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट लोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है मतलब 50% इक्विटी भी देती है और साथ में जो लोन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू आएगा लोन. लेकिन यहाँ पे कॉर्पोरेशन की कुछ लैंड भी उनके पास देना नहीं पड़ेगी ना लोन नहीं, नहीं आपको नहीं देना. और दूसरी बात ऐसी है वो जो लेकिन सर वो 60% लोन क्यों दे रहे हैं वो सॉवरेन गारंटी होता है उसमें दिया जाता है क्यों दे रहे हैं. ऐसा है कि ये जो डेवलप्ड कंट्रीज बोलते हैं इनको और इंडिया जो है वो डेवलपिंग है तो ये एक सिस्टम है पूरा वर्ल्ड में कि डेवलप्ड कंट्री हेल्प करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज की जैसे कि हम लोग भी अफ्रीका की हेल्प करते हैं बहुत सारे मामलों में बहुत सारा हमारा पैसा कम से कम 25 बिलियन का डॉलर का लोन हम लोगों का इवन अफ्रीका को भी जाता है था आपको पता नहीं होगा शायद पर इस तरह से जैसे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं दुनिया के 8 या 10 वो लोग हेल्प करते हैं हमारे जैसे कंट्रीज की एक वो एक सिस्टम है जिसके तहत ही आएगा बायलेटरल बोलते हैं.